तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो तुलना है, उनकी शक्तियों में जो कंपैरिजन है, अभी जैसा हमने इसको डिस्कस किया कि किन किन क्षेत्रों में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली है और किन क्षेत्रों में अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इन दोनों अधिकारियों की जो स्थिति है उसमें उनकी जो तुलना हम पढ़ेंगे, उसमें हमने पढ़ा कि दोनों देशों की शासन व्यवस्थाओं में जो अंतर है, ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था और अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था होने के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियाँ पूरे देश से जुड़ी हुई है, वो संपूर्ण देश के लिए कार्य करता है, तो उसकी शक्तियाँ व्यापक है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति, चूंकि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति या उसकी शक्तियाँ जो है वो सीमित है, वो केवल अमेरिकी संघ के लिए कार्य करता है, न कि पूरे अमेरिका के लिए काम करता है, क्योंकि इकाइयों की तो अलग शासन व्यवस्था है, तो इकाइयों के लिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ इकाइयों पर लागू भी नहीं होती है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो पूरे देश की शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि, लेकिन फिर भी अगर हम देखें स्थिति की, शक्तियों की तुलना, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्तमान में क्या दौर चल रहा है, सरकारों की शक्तियों के केंद्रीकरण का टाइम चल रहा है, तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति की शक्तियों में केंद्रीकरण हो रहा है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, वहाँ ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे सरकार के कार्य बढ़ रहे हैं, उसकी जटिलताएँ बढ़ रही है, तो शक्तियों में वृद्धि हर एक देश के कार्यपालिका, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, व्यवस्थापिकाओं का ह्रास पतन क्यों हो रहा है, व्यवस्थापिकाओं का ह्रास या पतन, क्योंकि कार्यपालिका की शक्तियाँ उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर देश में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियों बढ़ रही है। और एक अभी मैंने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि इन दोनों की शक्तियों में भेद यह भी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है ना, वो उसके स्वयं के नाम से है, लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वह उसके स्वयं के नाम से नहीं है, वो तो सम्राट के नाम से है, वह उसका वास्तविक प्रयोग करता है, लेकिन उसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को तो संवैधानिक जो मान्यता वो अभी प्राप्त हुई है 1937 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन साथ ही क्योंकि अधिकतर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसका पद भी परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है, या संयोग का परिणाम हम उसको कह सकते हैं। लेकिन इस भेद के कारण अगर हम स्थिति पर आते हैं, दोनों अधिकारियों की वास्तविक या व्यवहारिक स्थिति पर अगर हम दोनों की तुलना करें, तो उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसके पास नाम से भी शक्तियाँ हैं, सैद्धांतिक रूप से भी उसके नाम से, तो उससे दोनों की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसके बाद भी अगर हम देखें, अगर अच्छे से विश्लेषण करें, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इन दोनों की सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, है ना। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर हम देखें कार्यपालिका शक्तियों की दृष्टि से, अगर हम यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली, थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। क्यों? एक ही कारण से, केवल एक कारण एक ही है, बाकी अगर देखें तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, लेकिन एक कारण से थोड़ा ज़्यादा है उसे, बताओ कौन सा। क्योंकि हमने दोनों देशों का संविधान पढ़ा है, किस कारण से वो ज्यादा है थोड़ा प्रशासनिक क्षेत्र में? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है, उसको समय से पूर्व वहां की जो कांग्रेस है वो हटा नहीं सकती, 4 वर्ष का फिक्स है उसका कार्यकाल। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस पर डिपेंड करता? लोक सदन के विश्वास पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें कि अमेरिका का राष्ट्रपति, क्योंकि थोड़ा इसलिए है क्योंकि उसका कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल वही लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार दोनों की स्थिति का जो अंतर है वो उनके कार्यकाल के कारण ही हो जाता है। उसका कार्यकाल निश्चित है और प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, और 4 वर्ष का फिक्स है, और उससे पूर्व उसको कांग्रेस के द्वारा केवल महाभियोग के अतिरिक्त और किसी भी प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता। और महाभियोग की प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, जो केवल देशद्रोह भ्रष्टाचार के आधार पर ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि प्रशासनिक क्षेत्र में
अगर हम कार्यकाल की दृष्टि से देखें तो यह अमेरिका का राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, दूसरा जो भेद है दोनों में, यहाँ पर भी अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के साथ संबंधों के क्षेत्र में, अगर ऊपर तो कार्यकाल पढ़ा, हम प्रशासनिक क्षेत्र में दोनों का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कार्यकाल संबंधी भेद तुलना, दूसरा हम पढ़ रहे हैं मंत्रिमंडल के साथ दोनों का संबंध। तो मंत्रिमंडल के साथ संबंधों की दृष्टि से देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति ऊपर है, पढ़ा है ना अभी हमने, कैसे ऊपर है, वो जब चाहे जैसा चाहे अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रियों में उसके मंत्री भी होते हैं, सब तरह से वो मंत्रियों का गठन करता है, लेकिन वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है, किसी को भी मंत्री बना सकता है, उसके ऊपर कोई बंदिश कोई वो नहीं होती है, कोई शर्तें नहीं होती उसके ऊपर, और उसके मंत्री भले ही निर्णय ले ले, डिसीजन दे दे या कुछ भी कर ले, लेकिन अंतिम निर्णय तो राष्ट्रपति का या एकमात्र निर्णय राष्ट्रपति का ही माना जाता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के साथ वो स्वतंत्रता नहीं होती है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, संचालन करता है, उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन वो छूट उसको नहीं होती है जो राष्ट्रपति को होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बाध्य होता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ देखनी पड़ती है उसको, उसके अनुसार वो प्रतिनिधित्व उनको देता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह बिल्कुल ही इस तरह होता है कि उसके मंत्री उसके सामने बोल नहीं सकते, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णय देने के लिए, अपना मत देने के लिए, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्योंकि ब्रिटेन में राजनीतिक परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह सभी महत्वपूर्ण विषय निर्णय के लिए कैबिनेट के सामने रखे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ यह बाध्यता नहीं होती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो चाहे तो मंत्रिमंडल से परामर्श ले, वह चाहे तो नहीं ले, उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि वो अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करे या उनके निर्णय को माने, जैसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर एक जो बंदिश होती है वह उसके ऊपर नहीं होती है। तो इस तरह की जो स्थिति हमने पढ़ी कि दोनों के जो अंतर है मंत्रिमंडल के साथ संबंधों के क्षेत्र में भी, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अमेरिका मंत्रिमंडल में मत केवल एक ही होता है, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति का मत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों प्रशासनिक क्षेत्र में अगर हम स्थिति देखें तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों के प्रयोग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज़्यादा आगे है। लेकिन अगर हम अगर इनकी व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो संघात्मक व्यवस्था होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ सीमित हो जाती है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की प्रशासनिक शक्तियाँ एकात्मक व्यवस्था होने के कारण क्या होती है, व्यापक हो जाती है उसकी प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट क्लियर हुए। फिर हम आते हैं विधायी क्षेत्र में कंपैरिजन पर। विधायी क्षेत्र में बिल्कुल क्लियर है, ये तो साफ, विधायी क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, समझ में आ रहा है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति चूंकि विधायी कार्यों को कितना भी वो संदेश भेज दे वो केवल उसको प्रभावित कर सकता है, नियंत्रित नहीं। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चूंकि वो तो लोकसदन का नेता ही होता है, सरकार उसी के बहुमत दल में से तो बनती है, वो लोकसदन के बहुमत का नेतृत्व करता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो विधायी कार्यों का नेतृत्व ही वही करता है सदन में, जैसे हमारा प्रधानमंत्री करता है विधायी कार्यों का नेतृत्व, वैसे ही विधायी कार्यों का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है सदन में जाकर। तो प्रशासनिक क्षेत्र में यदि अमेरिकी राष्ट्रपति थोड़ा शक्तिशाली है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्थिति ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। तो राष्ट्रपति कुछ उपायों के आधार पर कांग्रेस के विधायी कार्यों को प्रभावित अवश्य करता है, लेकिन वो उसको नियंत्रित नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में यदि राष्ट्रपति का बहुमत हो तो थोड़ी उसकी स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस को केवल
प्रभावित ही कर सकता है, नियंत्रित कभी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसको कांग्रेस संसद से किसी भी प्रकार के कानून निर्माण को करवाने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर 90% जो विधेयक है वह प्रधानमंत्री के परामर्श या उसकी इच्छा अनुसार ही रखे जाते हैं और वह उसी रूप में पारित होते हैं जिस रूप में रखे जाते हैं, क्योंकि जिसकी बहुमत है सरकार तो उसी की बनती है ना संसदीय व्यवस्था में। और ये अंतर किस कारण है? संसदीय प्रणाली के कारण। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है, जहाँ कार्यपालिका बनती ही व्यवस्थापिका में से है और वो उत्तरदायी भी व्यवस्थापिका के प्रति होती है। तो इसलिए स्थिति बहुत ही अलग हो जाती है। इसलिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, किसमें? विधायी कार्यों के। अमेरिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लोकसदन को भंग करने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो कि वह तो वह उन शक्तियों का प्रयोग करे, है ना, कि विधायी कार्यों में वो उसको कांग्रेस को वो नियंत्रित किसी भी सदन को वह समय से पूर्व अमेरिका का राष्ट्रपति भंग भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है बिल्कुल दोनों की अलग है और विधायी क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब हम वित्तीय क्षेत्र में देखें तो वित्तीय क्षेत्र में भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि बजट तैयार किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के निर्देशन में और वो उसमें रखा जाता है लोकसदन में और वो उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में उसको रखा जाता है, क्योंकि उसका बहुमत होता है लोकसदन में। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो पूरे आय व्यय पर, बजट पर, धन पर नियंत्रण अपने आप ही प्रधानमंत्री या सरकार का हो जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर हम वित्तीय क्षेत्र में देखें तो राष्ट्रपति बहुत कमज़ोर है, प्रधानमंत्री के सामने अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उसके उसके जो धन संबंधित जो उसकी आवश्यकताएं हैं ना उस पर वहाँ के कांग्रेस का नियंत्रण है। और जब बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में बजट ब्यूरो के द्वारा बनाकर रखा जाता है कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा में, लेकिन वो उस रूप में पारित नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पारित होते होते वो पूर्ण रूप से बदल भी जाता है कई बार। अगर राष्ट्रपति के अपोजिट दल का उस वहाँ पर बहुमत है, मेजोरिटी है, तो वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के वो धन पर नियंत्रण रखकर राष्ट्रपति के हर कार्य को कांग्रेस नियंत्रित कर सकती है, उसको प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुमत के कारण हम देखें कि साधारण रूप से प्रधानमंत्री वित्तीय क्षेत्र में ज़्यादा शक्तिशाली है अमेरिका के राष्ट्रपति से, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को वित्त पर नियंत्रण का अधिकार नहीं। अब न्यायिक नियंत्रण की दृष्टि से हम देखें न्यायिक क्षेत्र में, तो न्यायिक क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पर तो वहाँ की न्यायपालिका का नियंत्रण है। किस माध्यम से? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य आदेशों को वहाँ की न्यायपालिका जांच करती है और अवैध घोषित कर सकती है यदि वो संविधान के विरुद्ध है, लेकिन प्रधानमंत्री पर ऐसा कोई न्यायिक नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ही नहीं। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर ऐसी कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं है न्यायपालिका का कि वो अपने कार्यों पर उसका बंधन हो। तो न्यायिक नियंत्रण की दृष्टि से हम देखें कि ब्रिटेन में ऐसी शक्ति नहीं है, वहाँ तो संसद की सर्वोच्चता है, इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो अपने कार्यों को असीमित रूप से कर सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति द्वारा की गई कोई भी नीति, कोई भी संधि, कोई भी नियुक्ति अगर वो संविधान के विरुद्ध पाई जाती है तो न्यायपालिका उसको अवैध या उसको गलत घोषित कर देती है। तो इस प्रकार हम देखें तो दोनों में न्यायिक क्षेत्र में नियंत्रण की दृष्टि से भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल स्थिति में, मतलब कहने का ये कि उस पर न्यायिक नियंत्रण कम है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति पर है वो उस पर नहीं है।
फिर एक दलीय नेता की हैसियत से अगर हम दोनों की स्थिति देखें तो यहाँ पर भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो है वो लोक सदन के बहुमत का नेता होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन में दलीय अनुशासन और कठोरता बहुत ज़्यादा है अमेरिका की तुलना में। तो जो एक नेता की स्थिति दल में जो प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है ना, वो राष्ट्रपति की दल में नहीं होती। वो भी अपने दल का नेता होता है, लेकिन उसकी वह स्थिति नहीं होती है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की होती है। और ये इस कारण भी हो सकता है, दोनों की व्यवस्थाओं का भेद है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदीय प्रणाली के कार्य नियम कुछ ऐसे हैं कि वो अपने आप अपने दल का नेता बन जाता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसे नियम नहीं है क्योंकि अलग है कार्यकाल, तो इसलिए वो उस रूप में अपने दल का नेता नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर हमने दोनों की स्थिति की तुलना करी, दोनों की शक्तियों की तुलना करी, जिसमें प्रशासनिक क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में हम देखें तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर जैसा कि लॉस्की ने कहा है कि वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कुछ कम है और उससे कुछ अधिक भी है ना। अधिक किस क्षेत्र में वो हमने पढ़ा और कम किस क्षेत्र में वह हमने पढ़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों की शक्तियाँ, जो हमने ऊपर कंपैरिजन पढ़ा, कंपैरिजन असली तब होता है कि जो पद, जो व्यक्ति जिस पद को धारण करता है ना, उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। औसत दर्जे का अगर प्रधानमंत्री कोई है ब्रिटेन में, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली कभी नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना। अगर एक औसत दर्जे का राष्ट्रपति है तो वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री से शक्तिशाली कभी नहीं होगा। एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की शक्ति का निर्धारण उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति करता है। उस व्यक्ति की व्यक्तित्व कैसा है, उसकी भूमिका कैसी है, दल में उसकी स्थिति कैसी है, वो उसके दल में उसका प्रभाव कैसा है, फिर उसके दल की संसद में स्थिति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है ना। ताकि उस आधार पे हम उसकी शक्ति का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि दोनों की स्थिति उनके अपने व्यक्तित्व पर, उसके दल की स्थिति पर और उस पर निर्भर करती है।